नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के कर्मचारियों की ओर से रेत खदान का ठेका लेने के मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। विरोधी दल के हमले और उनके इल्जामों का जवाब देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। राणा गुरजीत सिंह के मसले पर उठ रही पंजाब की सियासत को ठंडा करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक कमीशन का गठन कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड जीएस नारंग इस कमीशन के नेतृत्व करेंगे और साथ के साथ उनको एक महीने में रिपोर्ट देने के लिए आदेश दिए गए हैं। राणा गुरजीत सिंह पर इल्जाम थे कि उनके बावर्ची और अन्य स्टाफ मेंबरों के नाम पर सैंड की ऑक्शन जो करोड़ों रुपए की है वो ली गई थी, जिससे पंजाब सरकार खास करके कैप्टन सरकार बुरी तरह गिर गई थी। अब इस पूरे मसले की पड़ताल जस्टिस जेएस नारंग करेंगे और आने वाले समय में राणा गुरजीत सिंह का ये मसला और पंजाब की सियासत किस करवट बैठती है ये आने वाला समय ही तय करेगा। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे। केजरीवाल विधानसभा चुनाव के बाद देरी से पंजाब आने पर माफी मांग रहे हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद माना है कि उन्हें चुनाव के बाद पंजाब में आने में देर हो गई। दिल्ली के सीएम ने इस बाबत बकायदा जनता से माफी मांगी है। उन्होंने इसके लिए दिल्ली में अपनी व्यस्तता का हवाला दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। पंजाब के चुनाव के नतीजों के बाद मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। दिल्ली में थोड़ा सा बिजी हो गया, दिल्ली में भी चुनाव थे। इसके बाद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा के नतीजों के संबंध में भी बात कही। उन्होंने बताया कि पंजाब के नतीजे खुद सूबे की जनता की उम्मीदों के खिलाफ आए हैं। हालांकि विरोधियों का कहना है कि पंजाब की जनता ने बाहर से आए नेताओं को नकार दिया। पंजाब के जो भी नतीजे आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्टी की उम्मीदों के खिलाफ आए, मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब के लोगों की खुद की उम्मीदों के खिलाफ नतीजे आए। पंजाब के लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि नतीजे आने वाले। के भाई केजरीवाल साहब का फैसला मैं नहीं किया, लोगों ने, ये वही लोग ने जिन्होंने केजरीवाल साहब कहते थे केजरीवाल केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल, हुण वही लोग कह रहे हैं केजरीवाल केजरीवाल आप ही बने तेरे नाल। केजरीवाल देरी से दौरा करने पर माफी मांग रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे महज स्टंट करार दे रहा है। अमृतसर से राजन गुसाई के साथ हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया। पंजाब पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल के निशाने पर प्रदेश की कैप्टन सरकार रही। केजरीवाल का कहना है कि किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता है, लेकिन सूबा सरकार की नीयत में खोट है। केजरीवाल देरी से पंजाब जरूर पहुंचे, लेकिन पहुंचते ही सूबा सरकार को निशाने पर ले लिया। केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैप्टन सरकार को जनता से किए अपने वायदे याद दिलाए। उन्होंने हर घर एक नौकरी देने के वायदे को पूरा नहीं करने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा था हर घर से एक लड़के को सरकारी नौकरी मिलेगी, कहा था कि नहीं कहा था? साइन करके दिया था कार्ड, नौकरी मिली, बात भी नहीं करते अब नौकरी की। पूरे पंजाब के अंदर आंदोलन छेड़ना पड़ेगा कि कैप्टन साहब या तो पंजाब के युवाओं से माफी मांगो, धोखा दिया है आपने पूरे पंजाब को, और नहीं तो हर लड़के को पंजाब में सरकारी नौकरी दो। केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार पर किसानों का कर्ज माफ किए जाने से मुकरने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कैप्टन सरकार की नीयत में खोट है। अगर ये चाहें तो कर्ज माफ कर सकते हैं, हो सकता है, हमने सारी गणित कर रखी है, लेकिन अब ये मुकर गए, इनकी नीयत खराब है।
हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा पूरे पंजाब के अंदर कि अगर कैप्टन साहब ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किए तो कैप्टन साहब या तो सारे पंजाब के किसानों से माफी मांगे और या फिर आंदोलन छेड़ेंगे पूरे पंजाब के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने रोजगार और किसानी के मुद्दे पर किए वायदे पूरे ना किए जाने पर आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ राजीव अद्वा, जी मीडिया। पंजाब में बिखर रही आम आदमी पार्टी को केजरीवाल ने फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की है। केजरीवाल ने वर्कर्स का उत्साह बढ़ाते हुए पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर दिया। केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में फिर से संगठन का पुनर्गठन करना है। अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कार्यकर्ताओं और विधायकों से कहा कि संगठन को छोटा नहीं बल्कि बड़ा करना है, इसके लिए संगठन का पुनर्गठन करना है और नाराज लोगों को साथ लेकर चलना है। भगवंत मान जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जितने अपने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो किसी वजह से भी निराश हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, उनके सबके घर जाके उनको मना के और उनको वापस संगठन के साथ जोड़ना है। अपने इस पूरे परिवार को अपने को बड़ा करना है, इस परिवार को अपने को छोटा नहीं करना। केजरीवाल ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों से कहा कि उन्हें भगवान ने विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका दिया है, जिसे पूरी ईमानदारी से निभाते हुए जनता की सेवा करें। तो पंजाब के अंदर ऊपर वाले ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, कारण जो भी रहे ऊपर वाला कह रहा है फिलहाल विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी अपना निर्वाह करे, विपक्ष का काम करो आप लोग, और ऊपर वाले का आदेश सरमाथे पे, जनता का आदेश सरमाथे पे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधायकों और कार्यकर्ताओं को कहा है कि फिर से लोगों का विश्वास जीतकर पार्टी को मजबूत करें। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। अमृतसर पहुंचे अरविंद केजरीवाल को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तकरीबन 3 महीने बाद केजरीवाल पंजाब दौरे पर पहुंचे। हालांकि उनका पंजाब दौरा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा, यही वजह है कि अमृतसर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। जैसे ही केजरीवाल श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने के बाद पैलेस में विधायकों से बैठक के खातिर रवाना हुए, रास्ते में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। केजरीवाल का काफिला तो वहां से निकल गया, लेकिन पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की हल्की धक्का मुक्की जरूर नजर आई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो नहीं चाहते कि पंजाब का हाल भी दिल्ली जैसा हो, इसलिए केजरीवाल के दौरे का विरोध कर रहे हैं। सर इतने ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़े ईमानदारी के नाल, लेकिन पुलिस वाले ने शांत मीना प्रेस कर दे पे हां, पुलिस वाले ने उन्होंने हाडे थप्पड़ मारिया, चपेड़ा मारिया, मेरे वर्कर्सां दे उत्ते धक्का कीता। असी केजरीवाल दा पुरजोर विरोध करदे हां कि इत्थे पंजाब च ना आवे, पंजाब दिल्ली दे लोकां दा बेड़ा गर्क करता, पंजाब दे लोकां दा बेड़ा गर्क ना करे। प्रोटेस्ट करदे पे कि दिल्ली दे लोकां नूं बेवकूफ बना गया, दिल्ली दे लोकां नूं बेवकूफ बना गया, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਯਕਰਤਾਓਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। तलवंडी साबो के पूर्व जत्थेदार बलवंत सिंह नंदगढ़ के उन आरोपों पर सूबे की सियासत गर्मा गई है जिसमें उन्होंने एसजीपीसी पर बादल परिवार का कब्जा होने की बात कही थी। पूर्व जत्थेदार बलवंत सिंह नंदगढ़ के आरोपों को पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सिरे से नकार दिया है। तलवंडी साबो के पूर्व जत्थेदार बलवंत सिंह नंदगढ़ और एसएडी 1920 के प्रधान रवि इंदर सिंह के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने उन आरोपों को झूठा करार दिया है जिसमें उन्होंने एसजीपीसी पर बादल परिवार का कब्जा होने की बात कही थी। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि नंदगढ़ झूठा प्रचार कर रहे हैं, वहीं एसजीपीसी के अध्यक्ष ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है। कृपाल सिंह बडुंगर ने कहा है कि एसजीपीसी पर किसी का कब्जा नहीं है और जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें ये सब पहले क्यों याद नहीं आया। लोग आजकल एक दूजे की निंदा, सब तो पार्टी गल जी निंदा साढ़े कहती है,
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। वहीं नंदगढ़ के आरोपों को लेकर के एसबीसी के अध्यक्ष ने भी स्थिति को साफ करते हुए पलटवार किया है। मुक्तसर से कैमरामैन हरविंदर के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। तलवंडी साबो में कुछ जगहों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे हुए मिले हैं, जिसे पुलिस शरारती तत्वों की हरकत करार दे रही है। स्थानीय लोग इसे शरारती तत्वों की हरकत करार देते हुए माहौल खराब करने की कोशिश करार दे रहे हैं। तलवंडी साबो के गांव जगा राम तीर्थ में खालिस्तान 2020 के नारे लिखे मिले हैं। शरारती तत्वों ने दुकानों और बिजली के मीटर वाले बॉक्स पर खालिस्तान 2020 के नारे काले रंग के मार्कर से लिखे हैं। लोगों ने इसे माहौल खराब करने की कोशिश करार दिया है। उनका साफ कहना है कि गांव में पूरी तरह भाईचारक सांझ कायम है और किसी का कोई विवाद नहीं है। आपको बता दे ये गांव तलवंडी साबो से आम आदमी पार्टी की महिला विधायक बलजिंदर कौर का है। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। क्या पंजाब में सीवरेज सफाई की चल रही कवायद रंग ला रही है? क्या इस बरसात में पंजाब की सड़कों पर पानी नहीं भरेगा? कपूरथला से जी मीडिया संवाददाता संदीप ओब्रोय ने लोगों से बातचीत की है। पंजाब में नई सरकार बनने के साथ साथ सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। मानसून का मौसम भी सरकार के लिए चुनौती की तरह सामने आ रहा है। इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं? क्या इस बार भी पंजाब की सड़कें समुंदर और नहरों का रूप नहीं लेंगी? क्या सीवरेज सिस्टम की वाकई में सफाई शुरू हो चुकी है? क्या पिछली सरकार ने ग्रांटों का दुरुपयोग किया है? इन सब पर लोगों की राय जानने के लिए आज हम कपूरथला में मौजूद हैं और पंजाब की बात में कपूरथला के लोगों से उनकी राय जानते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है, पंजाब में सीवरेज की सफाई का सिस्टम शुरू कर दिया गया है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे पिछली बार सरकार ने जो ना सीवरेज साफ़ नहीं किए थे, उसी कारण सभी सड़कें जो थी समंदर और नहरें बन चुकी थी। और इस बार ये हो सकता है, होगा कि जब जो सरकार जो आज न्यू नवी सरकार बनी है वो सारी सीवरेज वगैरह सफाई वगैरह करेगी तो सड़कें और जो समंदर और नहरें पानी नहीं खड़ा होगा। देखने से तो नहीं लग रहा था, क्योंकि जितना भी टाइम पिछली सरकार रही कुछ दिख नहीं रखता। जैसे अभी सरकार बदली है तो जो एक्शन दिख रहा है, जैसे सक्शन मशीनें काम कर रही हैं, सीवरेज को सक किया जा रहा है, काम किया जा रहा है जो कर्मचारियों की तरफ से। ये तो लोकल लेवल पे हमें भी, चाहे म्यूनसिपैलिटी की बात करें चाहे नगर निगम की, कि जो ग्रांट जिस काम के लिए आती थी वो उस काम के लिए कभी लगी नहीं। और हमें तो ये भी पता चला है कि ज़्यादातर जो काम है वो सिर्फ कागजों तक होते थे। सरकार काम सही से करेगी तो रहेगी, जैसे पिछली सरकार ने काम तो कोई किया नहीं ढंग से, तो इस बार जरूर रहेंगी सर। उम्मीद है सर कांग्रेस सरकार जो भी आई है वो काम करेगी। पंजाब के लोगों की मानसून के आने पर जो चुनौतियां सरकार के सामने आती हैं उस पर राय आपने सुनी है, और लोग मानते हैं कि जिस उम्मीदों से सरकार को चुना गया था उस उम्मीद से एक्शन भी हो रहे हैं, और अब ये देखना होगा कि चुनौतियों और एक्शन में से रफ्तार किसकी तेज होती है और सरकार किस ढंग से आने वाले समय में इन चुनौतियों से पार पाकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती है। मोहाली में भी जी मीडिया संवाददाता रविंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर लोगों की राय जानी। नाल बरसातों का सीजन शुरू हो गया तो इस हर साल जो जो सीवरेज का पानी है वह ब्लॉक होने के करके बहुत सारिया समस्यावान लोगों जो देखने मिल रही, तो इन बारे की सोचते हैं हम जो सरकार वालों इनिशिएटिव लिया जा रहा इस बारे की राय रख थोड़ू कि जिस तरह नाल सीवरेज की सफाई करन की गल जो सरकार वालों कही जा रही है किस बार मशीनों नाल की जाएगी, किस तरह देखते हो? बहुत वधिया उपराला पंजाब सरकार का जो सफाई कराई जाए
ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਪ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪੜਾ ਵੱਗੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਿਖ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वीरभद्र सिंह समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई। अपील दे वल्लों और उन्हां दे बिहाफ ते कोर्ट ने जिहड़ा के फैसला सुनाया अज शाम नूं 4 बजे के उन्हां नूं बेल दे दित्ती गई है। 1 लाख दे मुचलके दे उत्ते बेल दित्ती गई है ते पासपोर्ट जब्त किया गया ता जो कि विदेश वो ना जा सकन। और इस नूं लै के जिहड़ा के वीरभद्र सिंह दे हिमाचल जिहड़े के कांग्रेस दे पूरे खेमे दे विच खुशी दी लहर जिहड़ी के दौड़ पई है। आपका क्या कहना है इस बेल के बाद? पुलिस ने इनकार तो कर रही थी कि आपको बेल नहीं मिलनी चाहिए, कोशिश की गई तो आपको लगता है ये क्या है पॉलिटिकल है क्या है? कौन सी पॉलिटिकल वेंडेट है? अभी तो सामने बाहर चलना आपने मेन राजनीति को मिलेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। चलो इस नूं लै के कोर्ट ने जिहड़ी कि अगली तारीख जिहड़ी कि हुण तय कीती है वह 27 जुलाई की है। 27 जुलाई में जिहड़ी कि केस की जिहड़ी कि अगली पेशी होगी जिस दे विच अगली हुण केस की सुनवाई होगी जिस दे विच देखना होगा कि की रहेगा अगे। हुण केस लगातार चलता जाएगा पर हाल ही दे विच जिहड़ी कि वीरभद्र सिंह नूं इस मामले दे विच जिहड़ी कि जमानत मिल गई है जिस दे विच जिहड़ा वीरभद्र दा पक्ष है उस CBI दे उत्ते कितने ना कितने भारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट नवजोत सिंह तालीवाल जी मीडिया। हिमाचल कांग्रेस में CM और प्रदेश अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है जिसे लेकर कांग्रेस आलाकमान भी गंभीर हो गया है तो वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर चुटकी ले रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में 60 सीटें जीतने का दावा करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर की जुबान फिसल कर 8 पर पहुंच गई। हापुर से BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर हिमाचल कांग्रेस के दुखती रग पर हाथ रखने का काम किया है। ठाकुर का कहना है कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच ठन चुकी है, यही वजह है कि आपसी खींचतान का मसला दिल्ली दरबार जा पहुंचा है। अनुराग ठाकुर ने फिर दोहराया है कि कांग्रेस के कई नेता BJP के संपर्क में है। देखिए कांग्रेस की हालत यह है कि मुख्यमंत्री जी और उनके अध्यक्ष में जो लड़ाई है वो दिल्ली के दरबार तक पहुंची है। दोनों में जो ठनी है उसी का एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस चुनाव से भाग। इनके एसोसिएट विधायकों ने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी शुरू कर दी। एक लंबी लिस्ट हमने कांग्रेस नेताओं की तैयार की है। हम उचित प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, समय आने पर उनकी ज्वाइनिंग का एक बड़ा प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हो जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर BJP सांसद 60 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे कि तभी उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने जो कहा वो आप खुद सुन लीजिए। बाकी 60 भाजपा 8 बाकी 8 भाजपा 60। ठाकुर की माने तो हिमाचल कांग्रेस पर पार्टी के बीच के धुरंधरों की खींचतान भारी पड़ने वाली है। ललित शर्मा जी मीडिया शिमला। शिमला नगर निगम के चुनाव 16 जून को करवाए जाएंगे जिसके लिए 2, 3 और 5 जून को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। शिमला नगर निगम के चुनाव में देरी के मामले में हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है।
शिमला नगर निगम के चुनाव मौजूदा कांग्रेस सरकार को 18 जून से पहले हर हाल में कराने होंगे। हिमाचल हाईकोर्ट के जस्टिस तलोक सिंह चौहान और सीबी बारोवालिया की बेंच ने सरकार को 24 घंटे का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को 24 घंटे का कार्यक्रम घोषित करना होगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शिमला नगर निगम चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 2, 3 और 5 जून को नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, हमारे हक में दिया है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जनता की ओर से जो मतलब मैंने पिटीशन फाइल करी थी उसमें हमारे फेवर में निर्णय दिया। उसमें निर्णय इन्होंने ये दिया है कि एक तो इलेक्शन जो है आप 18 जून से पहले पहले इलेक्शन करवा दिए जाए और अगले 24 घंटों में इस इलेक्शन की नोटिफिकेशन कर दी जाए। दरअसल चुनाव में देरी के मामले में हिमाचल बीजेपी हिमाचल सरकार पर चुनाव लेट करवाने का आरोप जड़ रही है। हिमाचल से ललित शर्मा के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश स्टेट ओलंपिक संघ जून महीने में हिमाचल में ओलंपिक गेम्स आयोजित करने जा रहा है। हिमाचल में स्टेट ओलंपिक गेम्स का आयोजन 22 से 25 जून तक हमीरपुर में किया जाएगा। इस बाबत स्टेट ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने शिमला में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्टेट ओलंपिक्स में 12 जिलों के करीब 1500 बच्चे हिस्सा लेंगे। 23 जून को हमीरपुर में ओलंपिक रन का भी आयोजन होगा। स्टेट ओलंपिक गेम्स के जरिए क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश है। इस वर्ष 22 जून से 25 जून तक हिमाचल प्रदेश स्टेट ओलंपिक गेम्स का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 1500 खिलाड़ी 11 खेलों से इसमें भाग लेंगे और 23 तारीख सुबह ओलंपिक रन जिसमें हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे हमीरपुर के मुख्यालय में। शिमला में स्टेडियम बनाए जाने का मामला ठंडे बस्ते में डाले जाने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, जहां जहां हमें हिमाचल सरकार ने जमीन दी, हमने ऊना में 3, अमतर में, बिलासपुर में, यहाँ तक कि धर्मशाला में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया। अब शिमला में भी हमने 2 स्टेडियम बनाकर दिए हैं। जब से सरकार ने जमीन देनी बंद की है और स्टेडियमों पर ताले लगाने शुरू किए हैं, उसके बाद आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बगैर जमीन के स्टेडियम बने। हमीरपुर में होने वाले स्टेट ओलंपिक गेम्स में रेसलिंग, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, शूटिंग समेत कई गेम्स के मुकाबले होंगे। वहीं शूटर अभिनव बिंद्रा, पहलवान सुशील और WWE के रेसलर द ग्रेट खली इन प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते भी नजर आएंगे। शिमला से ललित शर्मा, जी मीडिया। क्या हिमाचल प्रदेश के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे? क्या हिमाचल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का असर दिखेगा? इन्हीं सब मुद्दों पर जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा ने शिमला में लोगों से बातचीत की। हिमाचल में साल अंत में चुनाव होने हैं और दोनों की दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर तंज कस रही है। वहीं पर अगर हम बात करें जो भाजपा है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो मोदी की हवा है उसी से उन्हें जीत मिलेगी। इस वक्त तो हमारे साथ कुछ आम लोग उनसे बात कर लेते हैं। सर, साल अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि जो मोदी की हवा है वो हिमाचल में भी असर डालेगी? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, हिमाचल का जो वोटर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो किसी हवा के सहारे तो नहीं चलता है। अब देखना ये है कि जिस तरह से बीजेपी प्रभाव छोड़ती आ रही है उसके आधार पर शायद हो सकता है कि बीजेपी यहाँ जीत हासिल कर ले, लेकिन जो कांग्रेस ने भी 5 साल में जो कार्य किए हैं उसको देखते हुए इतना आसान तो नहीं होगा कि किसी एक हवा के सहारे ही सरकार बन जाएगी। सर, अगर आपसे पूछे सर, आने वाले जो चुनाव है, क्या आपको लगता है केंद्र की जो नीतियां हैं या फिर जो प्रदेश में जो काम हुए वो एक दूसरे पर हावी हो पाएंगे? हाँ जी हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बात मानते हुए कि जो केंद्र सरकार की पॉलिसियां हैं वो पूरे भारतवर्ष में काम करेगी और जो स्थानीय सरकारें हैं उनको भी वो लागू करने चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश का मेन तो यही रहेगा, जो हिमाचल प्रदेश का विकास है, जो हिमाचल प्रदेश के मेन कार्य है, जब तक वो अगर कोई सरकार उसका आश्वासन सही प्रकार से दे पाती है और उनके जो वो मुद्दे हैं वो हल हो पाते हैं तो मेरे ख्याल से वो पार्टी ज्यादा उसमें जाएगी।
तो ये थे हमारे साथ हिमाचल के लोग, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो आने वाले आगामी चुनाव है वहां का जो वोटर है काफी ज्यादा समझदार है, और जो केंद्र के मुद्दे हैं या फिर अगर हम बात करें प्रदेश के मुद्दे हैं, दोनों ही मुद्दों को देखकर जो आम जनता है वो अपना फैसला सुनाएगी। कैमरा पर्सन योगराज के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया शिमला। अंबाला के करोड़ों के मनरेगा घोटाले में लोकायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की। लोकायुक्त ने हरियाणा सरकार को 4 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। अंबाला के मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में हरियाणा के लोकायुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे लेकर लोकायुक्त ने सूबा सरकार से 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी मामले की एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। कोर्ट की तरफ से समीर पाल सरों, रेणु फुलिया, मोहम्मद शाइन और सुमेधा कटारिया पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिन पर पिछली सरकार में 2007 से 2010 के बीच अंबाला में वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 25.13 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप साबित हुआ है। लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश की एक कॉपी मुख्य सचिव को भेज दी है और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की अगुवाई में 3 महीने में कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं मनरेगा घोटाले में लोकायुक्त के इस बड़े फैसले का कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया है। विज ने कहा कि उन्होंने ये मामला पिछली सरकार के कार्यकाल में भी उठाया था। देखिए, मनरेगा में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसको मैंने बार बार उठाया था। जहाँ पर पेड़ लगाने दिखाए गए उस गाँव में जमीन ही नहीं थी, जहाँ सड़क बनी दिखाई गई वहाँ सड़क कभी बनी नहीं थी। जो मनरेगा की गाइडलाइन है उसके मुताबिक आप कोई भी पेमेंट कैश नहीं कर सकते, कैश विड्रा की गई बैंकों से, तो बहुत सारी अनियमितताएं थी। जो लोकायुक्त ने इसमें एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, देर आए दुरुस्त आए। वहीं आदेशों में देरी पर विज ने कहा कि अब लोकायुक्त कोर्ट के इसी आदेश की तर्ज पर दूसरे मामलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये अब कई बार जांच में वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं या नहीं ला जाती हैं, जहाँ लाने में देर कर दी जाती है, जो ठीक ढंग से फैसले नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो फैसला हुआ है वो अपना जरूर असर दिखाएगा। वहीं सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जब वो विपक्ष में थे तब उन्होंने इस मामले को उठाया था और उम्मीद है कि ये मामला अब अपने अंजाम तक पहुंचेगा। राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब सरकार की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार भी 1 तारीख से लगातार गैर हाजिर रह रहे डॉक्टर्स पर कार्रवाई का मन बना चुकी है। हरियाणा में बिना बताए ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे सरकारी डॉक्टर्स की नौकरी पर गाज गिर सकती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं और अब उन्होंने एक और सख्त फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब सूबे के उन डॉक्टर्स को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है जो बिना किसी सूचना के लंबे अरसे से ड्यूटी से नदारद हैं। जानकारी के मुताबिक विभाग में इन डॉक्टर्स की तादाद 400 तक हो सकती है। दे दिए हैं कि इनका डाटा कलेक्ट किया जाए, लीगल ओपिनियन लिया जाए और किस प्रकार से इस एब्सेंटिज्म से निजात पाई जा सकती है। देर से हैं, कई लंबे लंबे समय से हैं, अब जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, कई नोटिस देने पड़ते हैं तभी जाके निकाल सकते हैं उनको, वो भी हमारी चलती रहती है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि लिस्ट आने के बाद कानूनी राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही वो इन्हें नौकरी से हटाने के भी संकेत दे रहे हैं। उनकी वजह से ना तो हम उनकी जगह पर डॉक्टर भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि उनका लियन है जब तक वो रिजाइन नहीं करते हैं और आते वो है नहीं, और हम लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं कि किस प्रकार से इनको जल्दी जहाँ तो वो ज्वाइन करें, अगर ज्वाइन करते हैं हमें कोई इतराज नहीं है, और जहाँ वो रिजाइन करें। गौरतलब है कि हरियाणा के सरकारी अस्पताल पहले ही डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले ये डॉक्टर जले पर नमक छिड़कने वाला काम कर रहे हैं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की है और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत जगत गुरु बनकर विश्व को शांति का संदेश देगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की।
समारोह में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और सीएम मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कई विभागों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों से देश के विकास में योगदान देने की अपील करते हुए कहा कि युवाओं की शक्ति से ही भारत जगत गुरु बनेगा। उन्होंने डिग्री के साथ संस्कारों को भी जीवन में अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। शिक्षा प्राप्त कर डिग्री हासिल करके हम शानदार और एक सफल कैरियर ही हासिल करें, क्या इसी में ही शिक्षा की सार्थकता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं करते, ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी हम ग्रहण करते हैं। जब ज्ञान का रिश्ता संस्कार से टूट जाता है तो अज्ञान समाज के लिए विनाशकारी हो जाता है, और ज्ञान का रिश्ता जब तक संस्कारों के साथ रहता है वह ज्ञान समाज के लिए कल्याणकारी बन जाता है। पुरुषोत्तर विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में इनेलो विधायक को भी डिग्री प्रदान की गई। पुरुषोत्तर से राकेश रोहिला, जी मीडिया। पठानकोट के मामून मिलिट्री स्टेशन के पास एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ है। इस बैग से मिलिट्री की यूनिफॉर्म मिली है। बैग में आर्मी की वर्दी मिलने के बाद इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। दीनानगर और पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले के बाद पठानकोट जिले की पुलिस और प्रशासन अब सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रविवार रात को जिले के मामून मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध बैग मिला तो सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बैग को अपने कब्जे में लिया। इस बैग से आर्मी की एक यूनिफॉर्म मिली। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाके में गश्त बढ़ा दी। कुछ यहाँ पे कुछ आर्मी के यूनिफॉर्म्स मिले, उसके संबंध में हमने यहाँ से जो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तो उसमें जो बैग था उसमें कोई आर्मी की यूनिफॉर्म्स थी सर? इसका डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। जम्मू का एड्रेस था, बोरी वगैरह में लिखा हुआ, हम वो सब वेरीफाई कर रहे हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने जैसे ही आर्मी की यूनिफॉर्म देखी तो पुलिस को सूचना दी और तब पुलिस ने पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दीनानगर और पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। पाकिस्तान से हवाला फंडिंग के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा और कस गया है। एनआईए ने दो हुर्रियत नेताओं को दिल्ली तलब किया है। पाकिस्तान से हवाला फंडिंग के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा और कस गया है। एनआईए ने दो हुर्रियत नेताओं को दिल्ली तलब किया है। तहरीके हुर्रियत के नेता फारूक अहमद डार और जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी से एनआईए ने अपनी सारी बैंक डिटेल और संपत्तियों के दस्तावेज भी साथ लेकर दिल्ली आने को कहा है। दोनों को समन जारी कर दिया गया है। इन दोनों पर कश्मीर में हवाला का पैसा लाने और उन्हें आतंकियों पत्थरबाजों तक पहुँचाने के आरोप है। अच्छा, कितने बजे के आसपास बुलाया? सूत्रों के मुताबिक एनआईए के पास पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान से लश्करे तैयबा का सरगना हाफिज सईद आईएसआई की मदद से कश्मीर में अलगाववादियों को पैसा पहुंचाता रहा है। एनआईए सैयद अली शाह गिलानी और जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट के चेयरमैन नईम खान को भी आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली तलब कर सकती है। जनता सरकार से इस प्रकार के एक शक्ति से जो कार्रवाई की अपेक्षा रखती थी, पहली बार मोदी जी के सरकार में, पिछले कई सरकारों ने इसको अनदेखा किया था। मोदी जी के सरकार और एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं और इन पर कार्रवाई करने के लिए पूछताछ। एनआईए ने पाकिस्तान से आतंकी फंडिंग मिलने के आरोप में चार अलगाववादी नेताओं के खिलाफ जांच शुरू की है। मामले की जांच के लिए एनआईए की 5 सदस्यीय टीम श्रीनगर पहुंची थी और इन नेताओं से पूछताछ की थी। एनआईए ने पाकिस्तान से आतंकी फंडिंग मिलने के आरोप में चार अलगाववादी नेताओं के खिलाफ जांच शुरू की है। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 यूरोपियन देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। 6 दिन की इस यात्रा में कई बड़े समझौतों की उम्मीद है। 3 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी करीब 45 देशों की यात्रा कर चुके हैं। जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस के 6 दिन के दौरे में पीएम मोदी तकरीबन 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
कूटनीतिक और आर्थिक लिहाज से यह दौरा अहम माना जा रहा है। 29 मई यानी आज पीएम बर्लिन के पास मेसेबर्ग में जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। 30 मई को मोदी और मर्केल चौथे इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के तहत चर्चा करेंगे, बिजनेस लीडर्स से मिलेंगे, फिर स्पेन रवाना होंगे। 31 मई को पीएम मोदी स्पेन के किंग फिलिप और प्रेसिडेंट मारियानो राजॉय से मिलेंगे। इसके बाद मोदी स्पेन के टॉप सीईओ से मिलेंगे। 31 मई से 2 जून तक मोदी रूस में रहेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत रूस सालाना बैठक करेंगे। 2 जून को इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे। 2 जून को मोदी फ्रांस रवाना होंगे, नए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से चर्चा करेंगे। पीएम 4 देशों के दौरे में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में कारोबारी निवेश का निमंत्रण देंगे। पीएम मोदी का 3 साल में ये दूसरा जर्मनी दौरा है। रक्षा और सौर ऊर्जा पर बड़े समझौते संभव है। 3 दशक में पहली बार कोई भारतीय पीएम स्पेन पहुंचेगा। रेलवे पर स्पेन से अहम समझौते संभव है। पीएम मोदी फ्रांस में नए राष्ट्रपति मैक्रों के पहले मेहमान होंगे। फ्रांस भारत में 9वां बड़ा निवेशक है। रूस का भारत से बातचीत में एजेंडा न्यूक्लियर सहयोग रहेगा। भारत चीन के वन रोड वन बेल्ट का मुद्दा उठाएगा। पिछले साल पीएम मोदी करीब 55 दिन विदेश में रहे थे और इस साल सिर्फ 25 दिन ही विदेश में रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। कबड्डी कबड्डी कहने वाले कबड्डी खिलाड़ी ने लुधियाना में अपनी विवाहिता महिला प्रेमी से मिलने में अड़चन बन रही दूसरी महिला का मर्डर कर वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने महिला की हत्या करके वीडियो बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर की ये तस्वीरें लुधियाना के गांव किला रायपुर की हैं, जहां मनिंदर नाम के कबड्डी खिलाड़ी ने गांव की एक महिला को तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया। हत्या के बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक का गांव की ही एक विवाहिता से प्रेम संबंध भी था। उसका कहना है कि मृतक महिला उसे बदनाम करने के नाम पर ब्लैकमेल किया करती थी। वहीं पुलिस ने बताया कि संबंधित महिला आरोपी युवक और विवाहित महिला के मिलने में अड़चन पैदा करती थी। उसने ये कत्ल इसलिए किया क्योंकि उसकी एक गांव में ही लेडी के साथ संबंध थे। उसके बीच ये मरने वाली जिहड़ी लेडी है वो इनको मिलने में रुकावट डालती थी, इसके लिए इसने इसका मर्डर किया। गलत मैं जी नहीं है जी, जे ऐसी जनानी हुआ जी ना ऐ होना चाहिए भाई। ये की करती सी तुहाडे नाल जी? की ये बहुत गलत करैक्टर सीगा जी, बहुत जन की चैलेंज करती सी लोगों नूं। डर नहीं पैदा होया इस चीज? डर भी काला होगा जो जानी मारे, डर का धमकिया भी दी धमकिया दी तेन ए केस च फसाऊंगी सारी उम्र चेते रखेगा। मैं क्या तू केस च की फसाएंगी? मैं ही तेन फसा देना, सब नू प्यारी कर देना। आरोपी ने वीडियो में पहले जमीन पर पड़ी खून से लथपथ महिला को दिखाया, उसके बाद कैमरा अपनी तरफ करते हुए अपना नाम पता बताया। युवक को अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। आरोपी युवक के मुताबिक मृतक महिला उसे ब्लैकमेल करके पैसे भी ऐंठ चुकी थी। लुधियाना से तपन मल्होत्रा, जी मीडिया। एक और मोदी सरकार स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चला रही है, तो वही दिल्ली में इस अभियान के एक नुमाइंदे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। रविंद्र की मौत के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है। 1 साल पहले ही रविंद्र की शादी हुई थी। एक और मोदी सरकार स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चला रही है, वहीं दिल्ली में इस अभियान के एक नुमाइंदे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात दिल्ली के जीटीवी नगर इलाके की है। ई रिक्शा ड्राइवर रविंद्र ने मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ लोगों को पेशाब करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे मौत मिली। करीब 20 आरोपियों ने पीट पीट कर रविंद्र की हत्या कर दी। संदिग्ध आरोपियों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो पास के एक दुकान में रिकॉर्ड हुआ है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है और संबंधित लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए मैंने कमिश्नर को कहा है। कमिश्नर ने कहा कोई सीनियर अधिकारी को नियुक्त करके पूरा जांच करके तुरंत एक्शन लेंगे, ऐसा कमीशन ने मुझे वादा किया है। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से जो कुछ चीजें हमारे पास सामने उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ेंगे। रविवार को ई रिक्शा ड्राइवर ने 2 आरोपियों को मेट्रो स्टेशन के बाहर खुले में पेशाब करने से रोकने की कोशिश की थी। आरोपियों ने कपड़े में पत्थर बांधकर रविंद्र की पिटाई की थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्वच्छ भारत का जहां अभियान चलाया जा रहा है उसका विरोध करने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, और वो भी मौत के घाट उतारने वाले कोई और नहीं बल्कि पढ़े लिखे छात्र हैं।
फिलहाल परिवार शोक में है और इंसाफ की मांग रहा है इस पूरे सिस्टम से। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। गुरुग्राम में करीब 250 झुग्गियों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई। गुरुग्राम में एक बार फिर आग ने 250 के करीब झुग्गियों को जलाकर खाक कर दिया है। गुरुग्राम के डीएलएफ पौश इलाके से सटी झुग्गियों में रविवार देर रात एक बार फिर से आग सुलग गई। इसमें करीबन 250 झुग्गियां जलकर खाक हो गई और अपने घर में सो रहे एक 6 साल के मासूम बच्चे की झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। देर रात करीब 2:30 बजे झुग्गियों में आग लगी तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई लेकिन दमकल की गाड़ियों के मौके पर पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। आग विकराल रूप ले चुकी थी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पाया लेकिन इतनी देर में झुग्गियां राख में तब्दील हो गई थीं और आग की लपेट में आने से एक मासूम की जान चली गई। मतलब ये तो मेरे पास हो रहे थे छोटे छोटे, ये तो मैंने उठा लिया अपने, बड़े वाले 3 बच्चे इनके पास हो रहे थे, मेरा लड़का ही खत्म हुआ इसमें, एक छोटा वाला। सर 200 से 250 झुग्गियां जली है यहाँ पे। क्या लगता है आपको, किसी की शरारत है ये? नहीं सर, अभी तो कुछ पता चला नहीं है। बाकी हमें अभी जब आग लगी थी तभी हमने देखा, एकदम से हमें पता नहीं है अभी, ना हमने सुना है कि कितने बजे की घटना है। ये 2 बजे करीब की। आग लगने की वजह जानने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस जांच में जुटे हैं। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी आग में बेघर हुए लोगों को राहत सामग्री मुहैया करवाने का इंतजाम कर रही है। रेड क्रॉस अधिकारी का ये भी कहना है कि आग लगने से पहले यहां किसी संदिग्ध को देखा गया था। एनजीओ की टीम है, जिला प्रशासन में जो जो कर सकते थे, एम्बुलेंसेज का है, बसेज का है, SOMSDM साहब, डिस साहब का सबका अपना दौरा हुआ है, बाकी सब लोग यहां पे आए हैं। अब प्रयास ये है कि किस तरह से दोबारा इनको रिहेबिलिट किया जाए। यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि रात को उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा है जो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए था। इससे पहले शुक्रवार को 600 झुग्गियां आग की भेंट चढ़ी थी, हालांकि तब जानी नुकसान नहीं हुआ था। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के साथ पाकिस्तान से द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं हो सकता। सरकार ने BCCI को साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीरीज नहीं हो सकती। केंद्रीय युवा खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि BCCI को सरकार से बात करने के बाद ही भारत पाक के बीच क्रिकेट मैच को लेकर कोई फैसला लेना चाहिए। आज दुबई में BCCI और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक होने वाली है। दोनों बोर्ड 2014 में हुए समझौता ज्ञापन को लेकर मुलाकात करेंगे। इस समझौते के तहत दोनों देशों को 2015 से 2023 के बीच 6 द्विपक्षीय सीरीज खेलनी थी लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय सरकार ने BCCI को सीरीज के लिए मंजूरी नहीं दी थी। आतंकवाद और खेल साथ साथ नहीं चल सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। जिस तरीके के पाकिस्तान का रवैया जो है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ सीधा मैच खेलना मेरे हिसाब से संभव नहीं होगा। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में PCB ने BCCI को नोटिस भेजा था और 2015 में नहीं हुई सीरीज के लिए हर्जाना मांगा था। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। मौसम के बदले मिजाज का असर दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के बड़े शहरों के अधिकतम तापमान में आई गिरावट से साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं गुरुग्राम में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और हिसार में 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में अमृतसर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। पटियाला में 39 और लुधियाना में 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। वहीं बठिंडा में 38 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल की राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 21 डिग्री और धर्मशाला में 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे गर्म रहने वाले हिसार और भटिंडा के अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।